Ano, good morning. Good morning. Ooh. Yum, 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 yum. Morning, my doll. Good morning. Good girl. So it's 8:08, Sunday, April 18. Zen jo hai, wo abhi bhi so rahe hain. No, I am awake. Oh, really? How's your pain now? Abhi bhi ho raha hai? I still have pain. Assalamu alaikum, good morning, happy Sunday. तो आज हमारे साथ क्या हुआ है, सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ कि जब से हमने वो इंजेक्शन लगवाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट हैव पेन. अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ तो मुझे जो लोकलाइज्ड प्लेस है यहाँ पर थोड़ा सा पेन फील होता है, ठीक है. अदरवाइज़ बिल्कुल भी पेन नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं मूव ना कर सकूँ या मैं कोई काम नहीं कर सकूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन. बट जब से जैन को लगे ना, तो उनके पूरे बाजू में बहुत पेन हो रहा है और वो अपनी आर्म को ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, मतलब फ्रीली मूव नहीं कर सकते, उनको बहुत पेन हो रहा है. तो रात भी इनको काफ़ी पेन होता रहा है और हम लोग सोए हैं ऑलमोस्ट 1:30 पर, अलार्म लगाकर 3:20 का. और हमने उठना था 3:20 पर कि हम लोग कुछ हल्का फुल्का सा खा लेंगे, एग्स बॉयल करके खा लेंगे, फ्रूट्स खा लेंगे और रोज़ा रख लेंगे. तो उसके बाद मैंने अलार्म लगा के उधर रखा. आई डोंट नो जैन की आँख खुली है या फिर नहीं खुली है, इनकी आँख ही नहीं खुली है, क्योंकि मेरी तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है और हमारी आँख नहीं खुली है. हमारी नहीं हुई. ओके, तो हमारी आँख नहीं खुली है. और उसके बाद जो है ना, हम लोगों ने फिर हमारी आँख खुली है ऑलमोस्ट 4:30 या 5:45 बजे, राइट. 4:30 या 5:45 बजे हमारी आँख खुली है. और जब हमने देखा तो उसका तो टाइम गुजर चुका था, वो तो 3:55 पर हमारा रोज़ा बंद हो जाता है. सो आई वॉज़ लाइक अब क्या करें. तो फिर मैंने उस जैसे ही मेरी आँख खुली है ना, उसी टाइम में हमने रोज़े की नियत कर लिया. मैंने कहा भाभी सौ में गद्दीन नबी तुम्हें शाही रमादान, रोज़े की नियत हमारी हो चुकी है. क्योंकि इट्स नॉट नफली रोज़ा. अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि, और आप लोगों में से भी अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए कि आपकी आँख नहीं खुलती है, तो मैं यही कहूँगी कि डोंट स्किप योर फास्ट. उस दिन आप ज़्यादा काम नहीं करें, लेकिन अगर आप स्किप कर देते हैं फास्ट को, इट्स नॉट नफली रोज़ा, राइट. ये तो फ़र्ज़ी रोज़े हैं. क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा चाइल्डहुड में मेरी मम्मा के साथ ऐसा हुआ था कि पूरे घर वालों की आंख नहीं खुली थी और मम्मा ने स्टिल रोज़ा रखा था बगैर खाए पिए. और मैं पूरा दिन उनसे पूछती रही थी कि आपने सहरी तो की नहीं है, तो आपका रोज़ा कैसे हो गया. तो उन्होंने मुझे यही बात कही थी कि इट्स नॉट नफली रोज़ा, इट्स फ़र्ज़ रोज़ा. और आपने अगर आँख नहीं खुली, आपने नियत कर लिया, तो आपका रोज़ा हो जाता है. सो या बगैर खाए पिए आज रोज़ा रखा है. तो आज का दिन आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसा गुजर रहा है. जैन के क्लोथ्स वॉश किए थे, ये ड्राई हो चुके हैं, तो आई थिंक इनको भी उतारने का टाइम आ चुका है. तो ये जैन के क्लोथ्स हैं, अब ये जाएंगे जैन की कबर्ड में. सो इट्स 8:30. अब मैं जो हूँ अपना जूस रिसाइड करती हूँ और उसके बाद वापस आती हूँ. सो इट्स 9:42 एंड आई हैव डन विद जूस 6, अल्हम्दुलिल्लाह. सो इट्स 9:55 और मैं सोच रही हूँ कि इससे पहले कि पूरा डे के एंड पर जाके मेरी एनर्जी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, जो कि मैं दुआ कर रही हूँ कि नहीं होगी, तो मैं चेंज करती हूँ और उसके बाद मैं कुल्फ़ी बनाती हूँ. और जो इफ्तार के लिए चीज़ें बनानी है, जो कुछ है, वैसे सिंपल सा ही बनाऊँगी आज मैं, तो मैं उसकी अभी से तैयारी कर लेती हूँ. सो मैंने चेंज कर लिया, मैंने कल वाला ही चेंज किया है और अब मैं कुल्फ़ी बनाने के लिए जा रही हूँ. तो कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं मिल्क ले रही हूँ. अगर आप मिल्क 2 कप्स लेते हो, तो आपको इसको इतना ज़्यादा, इसको जो है आपने कढ़ाना है मिल्क को, कि वो 1 पार्ट रह जाए. अब ये देखिए मिल्क जो था ये इतना था, इसकी क्वांटिटी थोड़ी रह गई है. तो अब मैं इसके अंदर क्या करने लगी हूँ, ड्राई मिल्क ऐड करने लगी हूँ. अब ड्राई मिल्क भी ऐड कर रही हूँ ये पूरा पैकेट, और साथ साथ इसको मिक्स भी कर रही हूँ. तो एक पैकेट इसमें चला गया, अब दूसरा मैं इसमें एंटर करने लगी हूँ. बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा इससे, और इससे पहले कि हमारा मिल्क जो है वो नीचे गिर जाए, मैं इसको मिक्स करती हूँ. ये देखें कितना थिक हो गया, राइट. उसके बाद ये देखें, इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है. और ये इलायची पाउडर है, तो मैंने इसके अंदर 1 पिंच जो है वो इलायची पाउडर डालना है. अब मैं क्या करने लगी हूँ, ऑलमंड्स तो हमारे घर नहीं है, हो सकता है मैं पम्पकिन सीड्स ऐड करूँ, लेकिन जैन को अच्छे नहीं लगते हैं. बट पिस्टैशूज उनको अच्छे लगते हैं, तो हो सकता है मैं जस्ट पिस्टैशूज ही वो इसमें है ऐड कर लूँ. तो मैं इसको पिस्टैशूज को इसके अंदर से सेपरेट करती हूँ, इसको क्रैश करती हूँ और इसके अंदर ऐड करती हूँ.
देखें पिस्टैशियोज जो है इनको मैंने क्रश कर लिया है और अब मैं इसको इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। पहले मैंने इसमें कार्डेमम जो होती है इलायची का पाउडर ऐड किया था। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आप इलायची जो है उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना सकते हो। पर अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। वाओ, समझ लें आपकी खोए वाली कुल्फी जो है वो रेडी है। देखें कितना थिक थिक है मिल्क, राइट? ये देखें, और जो आपने ड्राई मिल्क डाला था उसकी वजह से ये देखें ये खोया भी अंदर, ऐसा लगता है ना, ये देखें ये खोया है। तो अब आपने इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है और 20 मिनट्स के बाद इसको मोल्ड्स में या पॉप्सिकल्स जो भी आपके पास होंगे उसके अंदर इसको फिल कर लेना है। तो हम वेट करते हैं फॉर 20 मिनट्स। तो ये है हमारा आइसक्रीम का मोल्ड, ठीक है? इसके अंदर जो है हम लोग 20 मिनट्स के बाद आकर और इस सारे के सारा जो भी हमने ये बनाया है इसको इसके अंदर डालते हैं और इसको फ्रीजर में रखते हैं। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं, ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको जो है वो इन मोल्ड्स के अंदर डालती हूँ और उसके बाद हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं 8 आवर्स के लिए। तो अब मैं जो इनके ऊपर वो कवर्स लगाने लगी हूँ, ये देखिए 2-3 कवर्स लग चुके हैं एंड देयर इज द फोर्थ वन। ये एक हमारा रेडी हो चुका है और दूसरे वाला जो है कम हियर, और इसको जो है हम इसके ऊपर भी लगाते हैं इसकी कैप्स। चले इसको फ्रिज में फ्रीजर में रख देते हैं 8 आवर्स के लिए। 1-2 बाय। इट्स लाइक 12:30 और जैन तो अभी तक सो रहे हैं। इनको उठाती हूँ नमाज के लिए कि नमाज पढ़ लें जोहर की। इट्स 1 और मैं यहाँ पर दही जमाने लगी हूँ इसके अंदर। तो इसको मैंने हल्का सा जो है वो गर्म करना है। और ये है हमारे घर योगर्ट स्टार्टर, ठीक है? ये पैकेट जो है आपने 1 किलोग्राम मिल्क के अंदर ऐड कर देना है। तो इसके अंदर जो मैंने ये बॉल था ये मैंने इसके अंदर रख दिया है, दैट्स द मशीन। और अब इसके अंदर हम इसको मिल्क को जो है वो पोर कर देंगे। बात यह है कि इसका जो कवर है ना वो मुझसे गुम हो चुका है, तो मैं क्या करने लगी हूँ इसको जो है वो प्लास्टिक से रैप करती हूँ। अब इसके ऊपर हम इस वाली प्लेट से कवर कर देते हैं। तो ये जो आटा मेकर है, आटे वाली मशीन है हमारी, इसके अंदर मैं डो बनाती हूँ, मतलब कि आटा गूंथती हूँ और इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो ये देखें डो हमारी रेडी है और ये इतनी पतली है। अगर आपने रोटी मेकर में आटा बनाना है तो ये देखें आपको इतनी ही पतली डो बनानी होती है। तो इसको मैंने कवर कर दिया है और मशीन जो है उसको मैंने धो के रख दिया है अंदर। और अब हम लोग क्या करते हैं इसको फ्रिज में रखते हैं। थक तो मैं गई हूँ और जैन को जो है वो अभी तक आर्म में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी मुझे अपने पार्सल उठाकर लेकर आना है। हमारी कोई ख्वाही थी, मतलब हमने ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर की थी और वो यहाँ पर ऑफिस में आई हुई है, तो मुझे वो लेकर आनी है। आई हैव खोर, आई थिंक आई गॉट अ गो, क्योंकि मुझे अभी गार्बेज भी फेंकना है। सो चलते हैं। लुक एट माई क्यूट फ्लावर्स, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। इनको जैसे ही रूम में आती हूँ ना, इनको देख के ही दिल खुश हो जाता है। इस टाइम में 3:14 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ पार्सल उठाने के लिए। तो मुझे जो है वो रोड क्रॉस करना है। अच्छा, यहाँ पर इतना कूल सिस्टम है ना,
अगर आपका पार्सल जब से ये कोरोना आया है तो ये लोग पहले तो डोर स्टेप्स पर ही दे जाया करते थे, अभी भी ये लोग अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ये लोग आपको डोर स्टेप्स पर दे जाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से और बहुत सारे लोग क्योंकि यहाँ पर चाइना में बिजनेस करते हैं तो अगर कोई घर में ना हो ये लोग क्या करते हैं, एक ऑफिस होता है बिल्कुल घर के पास ही, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के बिल्कुल आसपास ही इन्होंने ऑफिसेज बनाए हुए होते हैं और वहाँ पर जाकर ये लोग जो है ना आपका पार्सल आपको दे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा पार्सल जो है वो वहाँ पर है और वहाँ पर जाके आपको कोई जो है ना वो हेडेक नहीं होता है, आप जाते हो इजीली अपना कोड खुद सर्च करते हो, खुद वहाँ से उठाकर लेकर आते हो, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप उनकी शॉप में जाओ उनसे कहो कि हमें हमारा पार्सल है हमें हमारा पार्सल दे दें, यू डोंट नीड टू से एनीथिंग, आप जाते हो अपना कोड से खुद सर्च करते हो ले लेते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं पार्सल के ऑफिस में जो है वो पहुँच चुकी हूँ, दैट्स द ऑफिस, ये देखें 6 नंबर और ये 4th रो एंड 5022, दैट्स माई पार्सल, पार्सल उठाया यहाँ से, यहाँ पर लेकर आए, ये देखें ये मशीन ने ऑटोमेटिकली स्कैन किया, कोई भी नहीं यहाँ पर और मैं जा रही हूँ इसको लेकर, मतलब हाउ कूल, देखा आपने। अस्सलाम वालेकुम, वाओ, सो हमारी आई है जी ये कॉर्न स्टार्च, याद है आपको जो मैं लास्ट ईयर बनाई करती थी सहलब, तो इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे सहलब। लिली यस, मानो व्हाट इज दिस, खुद ही खुद ही, मैं तो आपको प्यार नहीं कर रही हूँ, खुद ही प्यार करा रही हूँ। क्यूटू, यू आर द क्यूटेस्ट माई गर्ल, यू आर द क्यूटेस्ट। सो आई थिंक अब मैं थोड़ा सा जो है वो रेस्ट कर लेती हूँ। सो इट्स 4, जैन ने कुछ सामान ऑर्डर किया था और इनके बाजू में अभी भी बहुत पेन है, हमारा फ्लावर था और फ्रूट्स वगैरह थे तो मैं नीचे से वो भी लेकर आऊँगी। अभी मैं क्या करती हूँ, अपना बैठ कर स्टडी करती हूँ, सो लेट्स स्टडी। सो इट्स 5:42, स्टडी मैंने कर ली है, नाउ मुझे कुछ पकाना है। सो अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ रोटी मेकर में। सबसे पहला टिप ये है कि आपने आटे को 3 to 4 hours पहले इसको डो को बनाना है और पतला बनाना है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद आपने रोटी मेकर को 2 minutes के लिए, जब तक इसकी लाइट बंद नहीं हो जाती ग्रीन वाली, मैं आपको दिखाती हूँ, आपने इसको गर्म कर लेना है। जैसे हम नॉर्मल डो बनाते हैं ना, जो आटा गूंथते हैं वो तो थोड़ा सख्त होता है ना, उस तरह से बिल्कुल नहीं, उससे 2 or 3 times मोर सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट कि वो आपके हाथ पर चिपक रहा हो, ऐसे स्टिकी हो। तो इस तरह से आपने डो को बनाना है और उसको 3 hours के लिए फ्रिज में रख देना है और उसके बाद आपने रोटी बनानी है। मैं बताती हूँ कैसे। ये देखें इसकी अभी ये वाली लाइट जो है वो ग्रीन है, ठीक है, मतलब रेड है, ये बंद हो जाएगी तो समझ लें आपका रोटी मेकर रेडी है। अच्छा, जो आपने ये पेड़ा बनाना है ना, इसको आपने प्रेस कर लेना है और 2 minutes पहले आप बना के रख लें, ताज़ा ताज़ा नहीं बनाना, ठीक है। अभी देखें इसकी लाइट ऑफ हो चुकी है, मतलब हमारा रोटी मेकर रेडी है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ से ओपन करना है, ओपन करने के बाद इसको जो इसे ड्राई वाला है इसको अच्छे से ऐसे करके ऐसे यहाँ पर रखना है, थोड़ा सेंटर से परे, उसके बाद इसको आपने प्रेस करना है। देखिए इसमें से चू चू की आवाज़ आएगी। अब इसको ओपन करेंगे, ये देखें इतनी प्यारी और बड़ी रोटी बनी है, राइट, नॉट छोटी सी टिक्की। फिर आप इसको एक दफ़ा प्रेस कर दें तो ये देखिए आपकी रोटी, बड़ी सी गोल गोल रोटी जो है वो आपकी रेडी है रोटी मेकर में। अब आपने क्या करना है, 2 minutes यहाँ पर वेट करना है और अपना
फ्लेम जो है उसको ऑन कर लेना है और आपने इस रोटी को यहाँ पर सेकना है, यहाँ पर नहीं सेकना, ठीक है। जब आपको लगता है ये पूरी वाइट वाइट हो गई है, ये देखें, तो फिर आपने इसको इसके ऊपर सेकना है। तो जी रोटी आपकी इतनी प्यारी, इतनी बड़ी रोटी आपकी रेडी है और इतनी सॉफ्ट है ये। बन गई आपकी रोटी, अब दूसरी बनाती हूँ जैन के लिए। इसको हम इधर रख देते हैं और इसको कवर कर देते हैं ताकि रोटी ठंडी नहीं हो हमारी, फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर बन रही है हमारी शामी और यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं क्रीम, नॉट क्रीम चाट बट फ्रूट चाट। मैं इसमें क्रीम नहीं ऐड करूँगी आज। तो चाट बन चुकी है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, फ्रूट चाट में मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की है, ठीक है। शुगर के बाद मैंने सॉल्ट ऐड किया है और ब्लैक पेपर, और इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज हैं, ऑरेंजेस हैं, एप्पल है और बनाना। इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके ऊपर लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि देखें ये ऑलरेडी है इसमें ऑरेंज। सो मिक्स करते हैं और हमारी चाट रेडी है। सो इट्स 6:32। अब जो मेरी तस्वीर रहती है बाकी मैं वो करती हूँ और दुआ करती हूँ। आप सब लोगों को भी दुआओं में याद रखती हूँ। मौसम आज भी बहुत 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 अच्छा है। बाय द वे, ये जो मैंने फ्लावर्स लिए थे आपको याद है फ्राइडे को, तो ये ऐसे थे, ठीक है, लेकिन अब देखें स्माइल कर रहे हैं, इनकी ब्लूमिंग हो चुकी है और सो ब्यूटीफुल। इसकी भी हो चुकी है, अभी 1, 2, 3, ये 3 रहते हैं, मतलब कितने प्यारे लग रहे हैं अंदर से देखें। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैंने जैन को सुबह बोला कि मुझे ना फ्रूट चाट खानी है और उसमें क्रीम नहीं डालनी और मुझे ग्रेप्स चाहिए, तो आप ग्रेप्स ऑर्डर कर दें। और जो उन्होंने ऑर्डर किया था उन्होंने कहा था कि 5 o'clock जो है ना वो आ जाएगा। उसके बाद 5 तक हम लोग वेट करते रहे, वो नहीं आया है, और मैंने फिर ऐसे ही वो चाट बना ली है, बट वो अब आया है। अब रोज़ा खुलने में कितने 16 मिनट्स हैं और अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि जैन को तो बाजू में अभी भी बहुत पेन है, तो अब मैं नीचे जा रही हूँ उससे फ्रूट्स लेने के लिए। जैन ने समझा कि आटा हमारा ख़त्म हो गया है और मैं भी यही समझती रही, जैन ने आटा और मंगा लिया और अब वो 10 kg का टोटल सामान है जो मुझे अकेली को उठा कर लेकर आना है। अल्लाह जी, यहाँ पे कोई ट्रॉले भी नहीं है। तो ये इतना सारा सामान है जो मुझे अकेले को उठा कर लेकर जाना है। तो इससे पहले मेरी कैट्स ये सारी चीज़ें ख़राब कर दें, मैं इनको फ्रिज में रखती हूँ। ये देखें ये एग्स को कितना सेफ जो है वो इसमें देकर जाते हैं ताकि एग्स जो है वो नहीं टूटे। एक भी एग जो है वो नहीं टूटा, सारे बिल्कुल ठीक हैं। इसके अंदर सेट कर दी हैं और अब मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में। तो ये हमारे बिल्कुल सिंपल सी इफ्तार, और अभी मैं कुल्फे भी निकाल कर आपको दिखाती हूँ। इसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद मैं कुल्फे दिखाती हूँ। कौन है? तो अब है जी कुल्फी खाने का टाइम, और इसको मैंने, ये देखें, इसको निकाल के इसके अंदर पानी डाल के इसको रख दिया फॉर 1 मिनट। और ये है जी हमारा कोकोनट, तो जैसे ही कुल्फी बन जाती है हम इसके ऊपर लगा के मज़े से खाते हैं। ओए होए होए होए, वाओ यार, चेक दिस आउट, ये देखें। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर जामेशीरी भी लगा सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्प्रेड जामेशीरी क्योंकि ऑलरेडी इतनी स्वीट है। तो बस हम लोग अब ऐसे ही इसको खाते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है आप इस कुल्फी को भी ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो डिलीशियस।